77th इंडिपेंडेंस डे पर दरभंगा की आन बान शान और उत्थान का गवाह बना नेहरू स्टेडियम। भारत देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में 9:05 पर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने सरकार की योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अपना संबोधन भाषण दिया। इस अवसर पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया, अन्य कई लोगों को भी सम्मानित किया गया। वही स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक लाल मोहन प्रसाद, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा, राजा उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की भी काफी संख्या में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थिति बनी रही। आगे बढ़ता हुआ परेड में मंच के सबसे उत्तर की ओर की महिला एक प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी एक प्लाटून, स्कॉट सहायता प्रदान की जा रही है। इन सब में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति तथा पका हुआ भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 100% पूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है और इसमें जिले ने सफलता भी प्राप्त की है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। ओपीडी और आईपीटी में सभी नागरिकों को हमने मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही दरभंगा जिला का गौरव डीएमसीएच में 3,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से 2,500 बेड का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि यह 1946 में स्थापित डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज अपने 300 एकड़ में अपने आप में भारत और बिहार में पूर्वांचल के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। दरभंगा के लगभग 8.5 लाख राशन कार्ड धारियों को सरकारी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि में 164 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे अत्याधुनिक तकनीक आधारित तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय भी आम लोगों के लिए खुल गया है और इसमें यहां के जिले वासियों को काफी फायदा हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट को पूर्ण सुविधा युक्त बनाने के लिए वांछित जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जा चुका है एवं साथ ही 50 एकड़ से ज्यादा की राज्य सरकार की जमीन में ही दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए अलग से अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें और पूर्णतः विकास के बाद दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के मुख्य एयरपोर्टों में एक हो जाएगा। रामनगर आईआईटी के निकट निर्माणाधीन आईटी पार्क भी आम लोगों के लिए खुल जाएगा। सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले में अनेक बड़ी सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। कमला नदी के दोनों तटबंध सहित 136 किलोमीटर में बांध सुदृढ़ीकरण के साथ साथ सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इससे कुल 240 किलोमीटर में तटबंध उच्चीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य करवाकर 100 साल से भी ज्यादा से जो बाढ़ की समस्या का स्थायी पूर्ण
समाधान किया जा रहा है कृषक, जो कि बिहार के गौरव है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।